ये सरकार बनाने वाला इलेक्शन नहीं, और ये मैं लोगों को भी समझाती हूँ कि ये ऐसा इलेक्शन है कि आपको वही बंदे को भेजना है जो बेबाकी से, बेखौफी से पार्लियामेंट में आपकी बात आगे रखे। ये सरकार कुर्सी पे लड़ाई नहीं है। वी वांट द राइट पर्सन टू गो टू पार्लियामेंट एंड दैट पर्सन इज महबूबा मुफ्ती साहिबा। आपने तकरीर में कहा है कि हुकुम जो है दिल्ली से आते हैं, हाँ, और यहाँ की जमीन छीनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए 2019 के बाद जब से 370 हटाया, दिल्ली से फरमान आता है कि हमारे जो हक हैं, हमारी जो जमीन है उसके साथ कौन क्या करेगा। हम इनके मोहताज थोड़ी ना बैठे हैं, हमारी जमीन है, हमारे हकूक है, हमारे वसाइल है, हम डिसाइड करेंगे कि हम इनके साथ क्या करें। ये दिल्ली से फरमान नहीं आएगा जी। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि इस बार जो है अनएक्सपेक्टेड जो नतीजे आएंगे, तो आपके लिए राय जाना चाहते हैं। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मैंने बचपन से उनको देखा है, वो हमारे घर बहुत टाइम से आते रहते थे, डेकेड से, सिंस 80s। तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और मेरा कद बहुत छोटा है, मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ उनके अगेंस्ट। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज जर्नी। उनने अपनी पार्टी एक फॉर्म की है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, नथिंग एल्स। आपको लगता है कि अनएक्सपेक्टेड जो नतीजे आने वाले हैं, आपको लगता है? क्या पता, लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि लोग ज़रूर जो उनकी रिजेंटमेंट है वो जाहिर करेंगे बाय वोटिंग, क्योंकि अंदर से यहाँ लोग फटने को आए हैं। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को जैसे एक जेल में तब्दील किया गया है, मुझे लगता है दे विल वोट टू एक्सप्रेस हाउ दे फील। राहुल गांधी का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो ये वो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो खत्म करेंगे। राहुल जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं, एंड आई थिंक कि उनमें बहुत कन्विक्शन है, एंड मुझे लगता है कि इंडिया की आवाम को राहुल जी को ही मौका देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।